इस रचना से, क्योंकि एक समय ऐसा आया था, ऐसा लग रहा था कि वापस मेलोडी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये फिल्म आई तो ऐसे लगा कि हमारे हमारे कानों से सरगम कभी खो नहीं सकती और हमारे कानों से सुरीला सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए, पर्युषण की शुभकामनाएं देते हुए, आने वाले समस्त त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए, आपसे कहते हुए कि सारेगामा से जुड़े रहिएगा, सारेगामा को हिम्मत देते रहिएगा, सारेगामा के सफ़र के हम सफ़र बने रहिएगा, और जब भी कार्यक्रम अगली बार सुनने जाएं तो उस पर बातें मत करिएगा, मोबाइल को स्विच ऑफ रखिएगा। अगले कार्यक्रम का भी एडवांस भी बता देता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक कलाकार और सारे हमारे सहयोगी और मेज़बान उसको सजाते हैं उस गुलदस्ते को, और उसमें उन फूलों में चमक तभी आती है जब आप लोगों का सहयोग आता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे कोरस टीम और हमारी म्यूज़िक वाली जो टीम है, आज लाजवाब इन्होंने परफॉर्म किया, उन सबके लिए जोरदार तालियां बजाता है, शुक्रिया अदा करें। और सुनिए ये एक अद्भुत करिश्माई गीत जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के चरणों में हमारा एक आदर है, लता दीदी के चरणों में एक आदर है, रफ़ी साहब के चरणों में एक हमारी खिराज अकीदत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, और लता की स्वर यात्रा के हम सफ़र का सिलसिला इसको यहीं विराम देते हैं।